अफगानिस्तान का काबुल, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, इंडोनेशिया का जकार्ता, इजराइल का जेरूसलम, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग, ओमान का मस्कट, कंबोडिया का नामपेना, कजाकिस्तान का अल्माटा, ताइवान का ताइपे, ताजिकिस्तान का दुशानबा, तुर्कमेनिस्तान का असगाबाद, आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पन्ना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पणजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला। बस बिहार में बहुत सारे आपको टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये जो बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²-2ab+b²। वाह, अमेरिका का राजधानी कहाँ है? जॉर्ज वाशिंगटन DC। अच्छा, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। दोस्तों, अभी हम बिहार के एक ऐसे गाँव में है जहाँ दूर दूर तक आपको कच्चा मकान देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो गाँव है यहाँ पर अधिकतर जो है गरीब लोग रहते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो बकरी चलाते हैं, स्कूल में नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ शिक्षा और रोड की बहुत ज्यादा समस्या है। हालांकि यहाँ के हम आपको कुछ ऐसे बच्चे से मिलवाने वाले हैं जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंटेड है, यानी कि बहुत सारे सवालों का जो जवाब है ये बच्चे एकदम फटाफट बता देते हैं। और अभी हम बिहार के अररिया जिले में हैं और इन बच्चों से हम बात करेंगे। बाबू, नाम क्या हुआ आपका? आनंद कुमार। अच्छा, आनंद कुमार नाम हुआ। कौन से क्लास में पढ़ाई करते हैं? 7th क्लास में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? सागर कुमार। अच्छा, आप कौन से क्लास में? 7th। 7th में है। आपका नाम क्या हुआ? अभिलाषा कुमारी। अच्छा, आप कौन क्लास में है? 6th में है जी। आप सोचिए कि ये जो है 7th क्लास का है, ये भी 7th का है और ये 6th क्लास में पढ़ती है। अच्छा, एज कितना होगा? 14 years। अच्छा, 14 years है। आपका एज कितना होगा? 13। अच्छा, आपका? 12। अच्छा, यानी कि ये जो है 14 साल से नीचे के बच्चे और बच्ची है। इन लोगों से हम बात करेंगे और मुझे अररिया के इस गांव में आने से पता चला कि यहां के जो ये बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। गांव का नाम कौन सा हुआ? थरवापट्टी। कौन से? ये नंबर 14 भरगामा प्रखंड। अच्छा, भरगामा प्रखंड के अंदर आता है, ठीक है ना? हाँ। और इस गांव में पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। इस बच्चे का जो दिमाग है वो कंप्यूटर से भी तेज है। क्या क्या पूछने पर आप बता देंगे? जीके, मैथ। अच्छा, जीके में, मैथ में, और उसके अलावा और क्या कुछ आप बता देंगे? और जो पूछिए बता देंगे। अच्छा, ये बताइए कि बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। पंजाब की राजधानी कहाँ? चंडीगढ़। महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ? मुंबई। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ? लखनऊ। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ? देहरादून। अच्छा, ये बताइए कि हरियाणा का राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। वाह, क्या बात है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये बच्चा है और बहुत सारे सवालों का एकदम से सटीक जवाब देता है। आपको क्या क्या याद है? देश और राजधानी, राज राजधानी। अच्छा, ये सारा चीजें आप बता देंगे जी। और मैथ में क्या क्या याद है? फॉर्मूला कुछ पूछेंगे तो बता देंगे जी। अच्छा, ये बताइए कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²+2ab+b²। वाह, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a²-2ab+b²। वाह, क्या बात है। इस बच्चे के लिए एक बार आप लोग ताली बजा दीजिए, क्योंकि छोटा बच्चा है हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। जरा सोचिए कि अभी के समय में आप बहुत सारे सरकारी स्कूल में जाएंगे, वहां के जो अधिकतर टीचर है, हालांकि हम सारे टीचर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको मुख्यमंत्री का नाम तक पता नहीं रहता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं मुख्यमंत्री का नाम भी पता है और बहुत सारे राज्य राजधानी जो हो गया, जो इनको वाकई में जानना चाहिए वो सारा चीज इनको पता है। a+b+c का होल स्क्वायर क्या होगा? a²+b²+c²+2ab+2bc+2ca। वाह, क्या बात है। आपका बाबू नाम क्या हुआ? अभिलाषा कुमार। आपसे हम क्या क्या पूछेंगे तो आप बता देगी? देश और राजधानी, राज और राजधानी। अच्छा, किसी भी देश का राजधानी बता देगी जी? बता देंगे। हाँ, बताइए। अफगानिस्तान का काबुल, अल्जीरिया का अल्जीयर्स, इंडोनेशिया का जकार्ता, इजराइल का जेरूसलम, इराक का बगदाद, ईरान का तेहरान, उज्बेकिस्तान का ताशकंद, उत्तरी कोरिया का प्योंगयांग, ओमान का मस्कट, कंबोडिया का नामपेना, कजाकिस्तान का अल्माटा, कतर का दोहा, केन्या का नेरो, इराकी कुर्दिस्तान का एरबिल, कुवैत का कुवैत शहर, कोकस या किलिंग द्वीप का पश्चिम द्वीप, क्रिसमस द्वीप का मछली को उड़ान, चीन का बीजिंग, जापान का टोक्यो, जाम्बिया का लुसाका, जिम्बाब्वे का हरारे, जॉर्जिया का टेबिलिस, जॉर्डन का अम्मार, ताइवान का ताइपे, ताजिकिस्तान का दुशानबा, तुर्कमेनिस्तान का असगाबाद। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहते हैं ना कि एक बिहारी सौ पे भारी। बस बिहार में बहुत सारे आपको टैलेंटेड बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जाता है, जिसके कारण ये जो बच्चों का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से चौपट हो जाता है। अगर आप जाएंगे ना तो बिहार के हर गांव में, हर शहर में आपको टैलेंट ऐसे देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन लोगों को किसी के तरफ से सपोर्ट नहीं करता है और ये लोग गरीब के बच्चे। आपके पिताजी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, यानी कि किसान है जी। अच्छा, तो कैसे पढ़ाते हैं आपको? बहुत मुश्किल होता होगा पढ़ाई वढ़ाई करने में जी। हाँ, क्या क्या मुश्किल होता है? जैसे कि
रुपया ये सब नहीं मिलता जल्दी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में करती है कि प्राइवेट में? दोनों में जाती है, लेकिन अच्छा पढ़ाई कहाँ होता है? प्राइवेट में होता है, सरकारी में नहीं होता है। होता है उतना ज्यादा, उतना नहीं होता है। देखिए ये बच्ची को भी पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, हालांकि सारा सरकारी स्कूल ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बिहार में ऐसे सरकारी स्कूल है जहाँ बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता। आपको आगे क्या बनना है? इंजीनियर बनना। आपको क्या बनना है? पायलट। अच्छा, आपको आगे क्या बनना है? आईपीएस बनना है। तो आईपीएस बनने के बाद में आप लोग क्या सोचे हुए हैं गांव के लिए, क्योंकि गांव में आपके आने के लिए अच्छा रोड नहीं है, पूरी तरीके से जर्जर स्थिति है, पूरा गांव जो है वो गरीब से घिरा हुआ है, इसके बारे में क्या सोचेंगे आगे? हम जब आईपीएस बन जाएंगे तब सब चीज ठीक करवा देंगे। सब चीज ठीक करा देंगे जी। अब सोचिए कि ये जो बच्चा है सेल्फ स्टडी किया है, बुक से पढ़ाई किया है, और इसके बाद जो सवाल जो इनको वाकई में जानने की जरूरत है वो सारा सवाल इन बच्चों को याद है। जरूरी नहीं है कि ये जो बच्चे हैं हमारे सारे सवालों को जवाब दे सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी सवाल हैं जिन्हें इन्हें वाकई में जानने की जरूरत है, वो सारा सवाल इन बच्चों को याद है। अच्छा चाचा, क्या कहेंगे इन बच्चों के लिए? यहाँ पढ़ाई होता है गांव में, स्कूल में होता है? होता है। आप लोग अपने बच्चे को कहाँ भेजते हैं, सरकारी स्कूल में कि प्राइवेट में? वहाँ तो प्राइवेट में भी है। प्राइवेट में भेजते हैं, तो सरकार तो बनाया है सरकारी स्कूल की गांव के जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर पाएंगे? पढ़ाई उस ढंग का नहीं होता है, ढंग का पढ़ाई नहीं होता नहीं है, होता है। इसीलिए अपने बच्चे को आप लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पर जो है गाँव में विकास वकास हुआ है कि नहीं? विकास हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है। अच्छा ये बताइए कि आप लोग बच्चे को कहाँ भेजते हैं? हम लोग प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं सर। तो सरकारी स्कूल कहे ला बनना है? सरकारी स्कूल बना है, लेकिन ना वैसा विधि व्यवस्था है, ना टीचर वैसा है। टीचर है भी तो टीचर को उतना जानकारी नहीं है। हाँ, टीचर को जानकारी नहीं है। टीचर तो दे दिया गया स्कूल में, लेकिन उस टाइप का टीचर नहीं है जो उसको चाहिए, बच्चे को जो शिक्षा चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल। फिलहाल आप देख लीजिए, गाँव का जमीनी हकीकत है, और ये बात हम नहीं कह रहे हैं बल्कि गाँव के लोग कह रहे हैं कि खुद जो गाँव के लोग है ना वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि दुर्भाग्य है कि बिहार के अधिकतर सरकारी स्कूल है जहां पर बच्चों को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया जाता है, इसीलिए ये लोग जो है अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। और क्या क्या पूछने पर आप बता देंगे? जैसे साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन ने। हाँ। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने। और हेलीकॉप्टर का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया। अच्छा, अभी जो है देश के तमाम राजधानी जो है आपको भी याद है। पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद। अमेरिका का राजधानी कहाँ है? जॉर्ज वाशिंगटन डीसी। अच्छा, भूटान का राजधानी कहाँ है? थिम्पू। नेपाल का राजधानी कहाँ है? काठमांडू। आंध्र प्रदेश का हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर, असम का दिसपुर, बिहार का पन्ना, छत्तीसगढ़ का रायपुर, गोवा का पंजी, गुजरात का गांधीनगर, हरियाणा का चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश का शिमला, झारखंड का रांची। अब सोचिए कि ये बच्चा छोटा है, हालांकि बहुत सारे सवालों का जवाब देता है। इंग्लिश उंग्लिश बोलने आता है कि नहीं आप लोगों को? थोड़ा बहुत आता है। अपना इंट्रोडक्शन अगर देना होगा तो कैसे देंगे? मैं नामी सागर कुमार, मैं फादर्स नामी इनरजीत कुमार शुक्ल, मैं मदर्स नामी चंदा देवी, मैं विलेज नामी थरवापट्टी, मैं पोस्ट नामी खोजरी बाजार, मैं थाना नामी भरगमा, मैं भैया नामी मेडिकल, मैं सब डिजन नामी फाड़बिस, मैं डिस्ट्रिक्ट नामी अररिया, मैं कमिश्नरी नामी पूर्णिया, मैं स्टेट नामी बिहार, मैं स्टेट कैपिटल नामी पटना, मैं कंट्री। अच्छा ये बताइए, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, गांव एकदम साधारण सा है, लेकिन गांव के बच्चे कैसे टैलेंटेड है? हमने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि यहाँ शिक्षा की व्यवस्था एकदम चौपट है, बच्चे जो है बकरी चरा रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, ये सब बच्चे इतना टैलेंटेड कैसे हो गए हैं? देखिए, इससे पहले जो हम स्कूल चलाते थे। अच्छा, आप स्कूल चला रहे थे? जी जी जी, जिसका नाम है रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल। और ये बच्चे जो है यहाँ पढ़ करके, प्राइवेट स्कूल में पढ़ करके सरकारी स्कूल भी जाते हैं। और ये क्षेत्र का अभी जो सरकारी स्कूल है, तो ये पहले के अलावा अभी कुछ अच्छा पढ़ाई होता है, ये लोग समझ। पहले से कुछ सुधार हुआ है? जी, सुधार हुआ है। ऐसा नहीं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है, ऐसा बात नहीं है, पढ़ाई होता है। और जो है ये लोग प्राइवेट में पढ़ते हैं, उसके बाद सरकारी स्कूल जाते हैं। अब सोचिए कि ये जो है इस गाँव के रहने वाले, और पहले ये बच्चों को पढ़ा रहे थे, हालांकि अब ये पत्रकार भी करते हैं, और जो भी समस्या होता है उन सारी चीजों को दिखाने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि ये बच्चा सब हमारे सारे सवालों का जवाब दे सके, लेकिन बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो वाकई में इन लोगों को जानना चाहिए, इन लोगों को पता है, क्योंकि अगर हम चाहे तो इनसे कुछ ऐसे भी कड़वा सवाल पूछ सकते हैं जो इनको पता नहीं होगा, और हम भी चाहे तो निगेटिव इनके बारे में दिखा सकते हैं। लेकिन जब तक बिहार के बारे में हम अच्छा नहीं दिखाएंगे ना, बिहार के लिए बाकी राज्य के जो लोग हैं वो अच्छा नहीं सोचेंगे, क्योंकि बिहार के जो बच्चे हैं जब बिहार
से बाहर जाते हैं तो वहाँ पर बिहार को बदनाम किया जाता है कि बिहार के बच्चे शिक्षित नहीं होते हैं और बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होता है क्या? जी 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 जी। और मेरा कहना है जैसे कि कोई गरीब बच्चा है तो अभी भी स्कूल चल रहा है, रुचि यूनिवर्स पब्लिक स्कूल अभी भी चल रहा है, अगर कोई चाहे तो हम फ्री में शिक्षा दे सकते हैं। अच्छा, फ्री में शिक्षा देते हैं आज के बाद? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर जाएंगे। आपको याद है कुछ इंग्लिश में पोएम सुना सकती है? हाँ सुनाइए। Who sat and washed my infant head when sleeping on my cradle bed and tears of sweet affection said my mother. When pain and sickness made me cry, who got up in my happy eye and tears of sweet affection said my mother. फिलहाल आप देख सकते हैं ये झोपड़ी में रहने वाले बच्चे हैं और किस प्रकार से फराटेदार जो है अंग्रेजी बोल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे बच्चों को सपोर्ट करने की जरूरत है जिनके अंदर रियल में टैलेंट है। और बहुत सारे यहाँ पर लोग भी हैं, ये गांव है, गांव आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से साधारण है। अच्छा, गाँव में क्या क्या समस्या होता है आप लोगों को? जैसे कि रोड ये सब ठीक से नहीं है बना हुआ, शिक्षा ठीक से नहीं होता है प्राप्त। तो आगे आप इंजीनियर बनना चाहती हैं? जी। तो इंजीनियर बनने के बाद गांव के बारे में क्या सोची है? पहले तो हम रोड ये सब बनवाएंगे, उसके बाद मकान ये सब बनवाएंगे। रोड मकान एकदम गांव में बनवा देंगे इंजीनियर बनने के बाद में, भ्रष्ट नहीं ना करेंगे इंजीनियर बनके? अच्छा, आप क्या सोचे है गाँव के बारे में? गाँव के बारे में साफ सुथरा रहे मेरा गाँव और शिक्षा के माध्यम से आगे रहे मेरा गांव। अच्छा, फिलहाल आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ये दो तीन बच्चे हैं, और कुछ आप लोग को याद होगा तो बता सकते हैं कुछ? ये लोग का जो टेबल है, हर स्कूल में जो है 20 तक टेबल सिखाया जाता है, ये लोग 50 तक टेबल सिखा। 50 तक टेबल बता देगी आप? टेबल इसको पूछिए। अच्छा, आप 40 का टेबल बताइए। 41 जा 40, 42 जा 80, 43 जा 120, 44 जा 160, 45 जा 200, 46 जा 240, 47 जा 280, 48 जा 320, 49 जा 360, 410 जा 400। वाह क्या बात है। फिलहाल ये गांव के छोटे छोटे बच्चे हैं और बहुत सारे सवाल जो इनको वाकई में जानने की जरूरत है ये सारे सवाल का जवाब देते हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी सवाल जो हम इनसे पूछेंगे तो ये नहीं बता पाएंगे, लेकिन ऐसे टैलेंट अगर गांव में है तो इन लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के बारे में बहुत लोग निगेटिव दिखाते हैं। फिलहाल इस बच्चे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, इस गांव के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए।